I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Hey guys, good afternoon. Welcome to Dehradun. आमबाग में खड़े हैं अभी, तो हमारे सिद्धार्थ जी ने रेकमेंड की थी जगह, काफ़ी शांत है, चारों तरफ हरियाली है, गाड़ी का नॉइज़ नहीं है, ताकि शूटिंग प्रॉपरली हो जाए. मीत सिद्धार्थ जी एंड ये चला रहे अर्टिगा. तो इनसे जब हम मिले थे पहली बार, मिले नहीं थे एक्चुअली, जब पहली बार देहरादून आया था तो हमारी बात हुई थी रिव्यू के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था. तो अगेन फिर हमने बात करके रिव्यू के लिए टाइम निकाला है. तो इनसे जान लेते हैं, जो ये गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी, जो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मानी जाती है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो लेने के पीछे क्या क्या आरएनडी थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने सेलेक्ट की थी तब गाड़ी ये फाइनल किया, कितना टाइम हो गया, कितनी चली है, ये सब इनसे जान लेते हैं. थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू फॉर यू नो टेकिंग आउट योर टाइम. सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगा. थैंक यू. आप देहरादून आए और देहरादून आके हम लोगों के साथ में इस तरीके से किया है. चैनल तो वैसे आपका हम पिछले 3 सालों से फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू, अप्रिशिएट दैट. जब आपके पास में टियागो हुआ करती थी, उस समय से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और खास तौर पे जब आपने शुरू किया था टियागो के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, आप जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करते थे वो शेयर करते थे. थैंक यू. तो वहीं से हम लोगों ने उस चीज़ को वो किया, और साथ में आपका जो सटल वे है बात करने का, या इतना फैमिलियरिटी के साथ में जो आप बात करते हैं, वो हम लोगों को बहुत पसंद है. थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट. मुझे ना ऐसे बातें सुन के शर्म आ जाती है. आई एम नॉट यूज्ड टू अप टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन आई रियली थैंक यू फॉर दैट, अप्रिशिएट दैट. मैं अगर गाड़ी के ऊपर आऊँ, गाड़ी के अगर बारे में बताना चाहूँ, तो से ऑलमोस्ट ईयर 2000 में एक कार आया करती थी सर, टोयोटा की क्वालिस. क्वालिस मैंने फर्स्ट टाइम 2000 में वो चलाया था. अच्छा. और मैं उसका फैन उसी समय हो गया था. तो आपने चलाई थी या ओन की थी क्वालिस? चलाया था मैं. चलाई थी आपने? हाँ जी. तो क्वालिस के फैन हो गया था आप? मैं क्वालिस का फैन हो गया था. उस समय मेरे को लगा था कि फैमिली के साथ में अगर कहीं जाना है तो एक 7-सीटर गाड़ी तो होना चाहिए. वहाँ से शुरू किया. उसके बाद में ईयर 2017 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अर्टिगा ओन करना है. 17 में डिसाइड कर लिया था? हाँ जी. और आपने खरीदी कब गाड़ी? ये मैंने अभी इसी साल जुलाई 2020 में ली है. रिसेंटली ली है? जी जी बिल्कुल. मतलब 3-4 महीने 4-5 महीने हो रहे? हाँ जी. उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. 2017 में हम लोग ऐसी सर्च कर रहे थे नेट पे, मुझे पता चला कि अर्टिगा का नया मॉडल आने जा रहा है, तो मैंने अपना जो प्लान था वो स्टॉल किया. 2018 में हम लोगों ने दोबारा से उसको किया, बुकिंग कराने हम जा रहे थे, और ये नया मॉडल लॉन्च हो चुका था तब तक से, अक्टूबर या नवंबर में ये लॉन्च हुआ होगा. उस समय पे हम बुक कराने जा रहे थे, उसी समय पे हमारा ट्रांसफर जो है कानपुर से देहरादून के लिए हो गया. तो वी थॉट कि अब कानपुर का नंबर तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम एक नए स्टेशन पे जा रहे हैं. हमने यहाँ आकर मई में हमने इसे बुक कराया था, और ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा के बाद में ये मेरे को मिल पाया. तो इसी में एक्सेल 6 भी आ रही है, तो वो आपने सर इन बिटवीन हमने एक्सेल 6 भी सर्च किया था. फाइनली एक्सेल 6 का क्या था, 6-सीटर जरूर था, पर उस पर जो प्लास्टिक क्लैडिंग और वो सब था उसको मेरे फैमिली ने पसंद नहीं किया. उनका कहना था अगर हम ले ही रहे हैं तो 7-सीटर ही लेते हैं, 6 तो कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं उसके अंदर, ऑल दो 7 होगा तो 6 तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं. तो ये कितने की पड़ी थी आपको? सर मेरे को ये छोटा मोटा एक्सेसरी वगैरह जोड़ के 10,06,000 का पड़ा. 10,06,000, दिस इज VXI मॉडल, तो 10,06,000 का पड़ा था, जिसके अंदर 3 साल का इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडेड. सब ऑन रोड. तो अभी तक कितनी चला ली आपने? सर 6 महीने कंप्लीट हुए हैं, और 6 महीने के अंदर हमने 6,600 किलोमीटर चलाई. 6,600 किलोमीटर चला ली है. वंडरफुल. तो इसमें सिर्फ लोकल चली है, आपने ट्रिप्स भी किए हैं? सर कम से कम 5 बार दिल्ली तक जाकर आ चुकी है. दिल्ली तक, आगरा तक, और हिल में तो हम लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया अभी तक इसे. अच्छा, हिल में कहाँ कहाँ गए आप? हम लोग डोबरा चाटी तक जाकर आए हैं, फिर चिनियाली सौर है एक जगह, यहाँ वहाँ भी टीरे डैम के ऊपर लास्ट लोकेशन है, दैट इज चिनियाली सौर. आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, तो वहाँ तक हम लोग इस गाड़ी से जाकर हैं. तो जब आप गए थे कंप्लीट पूरे 7 लोग थे गाड़ी में? नहीं, हम 4 ही लोग. 4 लोग कभी गाड़ी पूरे 7 लोग बैठा के विद लगेज आपने चलाई है? जी जी बिल्कुल. वो कहाँ का ट्रिप था वो? आगरा. आगरा का. तो कैसा वगैरह? कुछ इस बेसिकली 1500 cc का इंजन होने के कारण कुछ डिफरेंस फील नहीं होता, क्योंकि एक तो फिर प्लेन में ही है. प्लेन में भी तो है, और पहाड़ पे होता है शायद थोड़ा बहुत, शायद थोड़ा बहुत पता चलता, पता चलता. और ऑल दो सपोर्ट करने के लिए इसमें वो बैटरी वाला मोटर भी आ जाता है. अच्छा. इलेक्ट्रिक मोटर जो हो जाता है उससे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, उससे पिकअप बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम. अच्छा, तब फर्क पड़ जाता.
वंडरफुल, थैंक यू सो मच. हमने ये पता कर लिया कब ली थी, कितने की ली थी ये पता कर लिया, और इन्होंने ये भी बता दिया कौन कौन से ट्रिप्स किए थे. अब ये पूछते हैं कि इसका जो माइलेज है, और मारुति इज नोन फॉर कितना देती है. एग्जैक्टली ये सो माइलेज कितना सर? माइलेज वॉज नेवर अ फैक्टर फॉर मी, क्योंकि इससे पहले दिस इज माई फोर्थ व्हीकल. मैंने मारुति 800 भी ओन की है, मैंने वेगन आर भी ओन की है, और लास्ट गाड़ी इससे पहले मेरा था शेवरलेट स्पार्क. ओके, देन आई शिफ्टेड टू दिस. यानी इससे पहले दो मारुति आप चला चुके? दो मारुति चला चुके, उसके बाद फिर आप अर्टिगा पे? हाँ जी, हाँ जी सर. तो शेवरलेट का ऑलरेडी एवरेज जो आता था, दो इट वॉज अ 1000 cc इंजन, उसका एवरेज 12 से 16 के बीच में आता था. से सिटी के अंदर में 12 देती थी वो, और हाईवे पे 16 देती थी. अच्छा, उससे ज्यादा दे रही है. तो कितना दे रही है अभी? सिटी के अंदर में 14 तक दे जाती है, 12 से 14 आराम से देती है विद एसी ऑन, और देहरादून जैसे हाई ट्रैफिक सिटी के अंदर में, और हाईवे पे 18 तक पहुंच जाती है. ये पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है? पेट्रोल. इतना दे देती है? ओनली पेट्रोल सर. आप कह रहे कि 14 से 16 दे देती है सिटी में? हाँ जी, विद एसी ऑन. हाँ, वंडरफुल. मैं तो खाली नहीं जानता, मतलब मारुति इज रियली नोन फॉर माइलेज. रिफाइनमेंट इज आल्सो देयर. इंजन बहुत रिफाइन होता है मारुति इसका. मारुति एंड हुंडई इज मे बी जो फैक्टर आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इसको नहीं लेना चाहिए, दैट इज स्टार रेटिंग और द सेफ्टी रेटिंग. दैट वाज सपोज्ड टू बी माय क्वेश्चन, आपने पहले बोल दिया. विल कम ऑन दैट. तो अच्छा, आपने आप उसके बात ही कर लेते हैं. तो आप जब ने गाड़ी ली थी आपने, तो आपको ये मतलब स्टार रेटिंग जो है वो उसके बारे में पता था, सेफ्टी वगैरह? सर हमें बिल्कुल पूरे तरीके से पता था कि स्टार रेटिंग्स क्या होते हैं और क्यों हायर सेफ्टी वाले व्हीकल को प्रेफर करना चाहिए. बट 7-सीटर में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस बजट के अंदर. राइट. 7-सीटर में टाटाज में, महिंद्राज में, या किसी इवन टोयोटाज में भी कोई और व्हीकल अवेलेबल नहीं था. टोयोटा इनोवा आता है, दैट वाज गोइंग अप टू 18 lakhs, 16-17-18 lakhs. बजट बहुत बढ़ जाता है. ट्राइवर, रेनॉल्ट ट्राइवर आ गया था, मैं गया उसका टेस्ट राइड भी लिया, पर जैसे टोयोटा के का कंपैरिजन अगर आप इससे करो तो ये उससे 19 ही नजर आएगी हमेशा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रेनॉल्ट ड्राइवर इससे और इससे भी 19 नजर आ रही है. बिल्कुल आएगी, 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 बिल्कुल. तो आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह किया था? मैंने किया था उसका. तो आपको ये डिफरेंसेस लगे? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस लगे थे आपको ड्राइवर और सर? रोड हैंडलिंग, इंजन पावर, इनिशियल जो इंजन पिकअप होता है वो बहुत कम था उसका. ये खरीदने के पीछे मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि आई नीड टू हैव अ 7-सीटर, और मारुति का और कोई व्हीकल, मारुति का भी 7-सीटर में नहीं है. 7-सीटर में नहीं है. मैं चाहता था कि टाटा वगैरह जैसे ब्रांड का होना चाहिए था इस रेंज के अंदर में, पर समाओ अभी तक कोई भी व्हीकल और किसी कंपनी का है नहीं. नहीं, अभी टाटा लेके आ रही है सफारी, लेकिन बहुत कॉस्ट, बहुत कॉस्टली हो जाएगा सर. वो तो 17 लाख से शुरू होगा, 17-18 लाख से शुरू होगा. दैट विल बी रियली कॉस्टली, क्योंकि इसलिए मैंने पहले ही बोला था 7-सीटर वेल्फ मनी कार, दिस इज द कार जो मतलब अगर बड़ी फैमिली है तो. लेकिन कंप्रोमाइज सर, बाय द वे अगर सेफ्टी की भी हम बात करें तो मार्केट में जो आज के समय में बहुत अच्छे चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, से लाइक किया सेल्टॉस, ह्यूंडई क्रेटा, उनका रेटिंग इससे कम है. सर बेसिकली हम लोगों का मतलब हमेशा से इच्छा ये थी कि घूमे, अच्छे से घूमे, और घूमे भी मम्मी पापा के साथ में. तो दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ एंड मम्मी पापा, हम लोग अक्सर ऐसे घूमते हैं. अच्छा, और मतलब इस प्राइस में तो कोई 7-सीटर देता नहीं है. मतलब अगर किसी को बजट का है तो फिर बजट इतना ही है, 7-सीटर लेना तो ऑप्शन ही नहीं है ना. ऑप्शन ही नहीं है. कैन नॉट डू एनीथिंग. डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ होती है, डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, सबका एक ना चार्म होता है, सबका प्रोज होता है, सबका कॉन्स होता है. कोई किसी गाड़ी में ये अच्छा है तो किसी गाड़ी में वो अच्छा, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आरएनडी करनी पड़ेगी, आपकी प्रायोरिटी क्या है. उनको क्लियरली पता था कि ये इनकी प्रायोरिटी है, 7-सीटर चाहिए, ये बजट है अपना, इस बजट में इधर उधर देखा कुछ नहीं है, एक ये गाड़ी आती है, तो डिसीजन क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये डिसीजन है, ले लिया, गुड टू गो. अब अगर कोई अर्टिगा 7-सीटर लेना चाहता है तो ये तो याद रखिएगा कि गाड़ी, ये एक्सपीरियंस बता देंगे कैसा है, लेकिन ये आपको सेफ्टी का भी ध्यान देना पड़ेगा. अगर वो प्रायोरिटी है आपकी, देन आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा. अगर नहीं बढ़ा सकते तो देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो अगर कोई लेना चाहता है 7-सीटर इस प्राइस रेंज पे, तो क्या उसे रेकमेंड करोगे आप? सर बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा. दो लॉजिक हैं, एक इसका ऑप्शन नहीं है अभी एज ऑन डेट, और दूसरा आप अगर इसे चलाएंगे तो आप फील करेंगे कि बहुत अच्छी गाड़ी है. अच्छा. मैं ऐसा तब कह रहा हूँ जब मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया हुआ है.
मतलब ओवरऑल? हाँ ओवरऑल मैंने चार गाड़ियाँ जो चलाई हैं उसकी टोटल अगर आप करेंगे तो 1.5 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया हुआ है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी गाड़ी है, छोटे गाड़ी की तरह से परफॉर्म करती है। जैसे कोई एक छोटी गाड़ी है, जैसे मेरे पास स्पार्क थी, वो जितनी कम जगह में निकल जाती थी उतने में ये मूव कर जाती है। और नॉइज वाइब्रेशन की बात करने की जरूरत नहीं है, मारुति की गाड़ी है, रिफाइंड इंजन होता है, वाइब्रेशन विल नॉट बी देयर, नॉइज विल नॉट बी देयर, इंजन बहुत साइलेंट होगा, परफॉर्मेंस भी जैसे बताया इज वंडरफुल। और कोई ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहोगे जो लोगों को नहीं पता है अर्टिगा के बारे में और लोगों को पता चलनी चाहिए अगर वो लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको देखनी चाहिए? हाँ ये गाड़ी गुड टू गो। और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो उनको अवॉइड करनी चाहिए लेते समय? सर अगर मैं ये कहूँ कि ये गाड़ी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं और आपको किन चीज़ों का वो करना चाहिए, जो मुझे या इस तरीके से बोलें कि जो चीज़ें सही नहीं लगी हैं मेरे को, उसके हिसाब से इसकी लाइट थोड़ा सा कम लग रही है मेरे को, इसकी जो जो हेडलाइट से विजिबिलिटी है हेडलाइट्स की रोड पे, वो शायद तो हेलोजन लैम्प की वजह से या जो भी है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। DRLs नहीं है, मारुति को DRL देना चाहिए, एज ऑन डेट DRL इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो होना ही चाहिए। दूसरा एक बड़ा छोटी सी चीज़ मेरे को फील होती है कि कुछ नॉइजेज़ आते हैं, नॉइजेज़ क्या है, जो सीट बेल्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर में बार बार टकराते हैं। अच्छा, तो ये तो मेरी गाड़ी में भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद ही इस चक्कर में था कि कुछ ऐसा चीज़ मैं इसमें लगा सकूँ जिसकी वजह से वो बेल्ट मतलब कहीं पे स्टिक हो जाए। स्टिक हो जाए, एग्जैक्टली। कोई रैटलिंग वगैरह तो नहीं होता? कोई रैटलिंग? बिल्कुल कोई रैटलिंग नहीं। इवन इतना प्यारा कॉर्नर करती है ये गाड़ी कि कहीं से इसका वेट फील नहीं होता। अच्छा। और देखिए सारी चीज़ें जो हमको मिलती हैं वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस। जिस प्राइस में ये दे रहे हैं, मारुति ऑलरेडी इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि अगर वो 10 लाख रुपए ले रही है तो 10 लाख रुपए के अंदर उसके आसपास अधिकतर कंपनीज नहीं आ पा रहे होंगे वो चीज़ प्रोवाइड करने में। तो प्राइस फैक्टर की अगर से बात करें तो सब कुछ अपने आप में कम्प्लीट है सर। कम्प्लीट है। थैंक यू सो मच। और मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था, इंजन वंडरफुल है, गाड़ी सब कुछ है, ये डिफेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। साढ़े अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 10.5 की कर दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार ना इसको थोड़ा सा मतलब सेफ गाड़ी अगर हो सकता है टेस्टिंग करा के सेफ गाड़ियाँ अगर निकालना शुरू करें तो अब क्या हो रहा है कि अवेयरनेस आनी शुरू हो रही है। क्यों, मैं तो कहता हूँ कि लाइफ से बड़ी कुछ भी नहीं है। देखो पैसिव जो सेफ्टी मतलब ज़रूरी है, बॉडी शेल्स हो गए, बॉडी का फ्रेम हो गया, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखने को मिलता है लोगों का जो गाड़ी ओन कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब तुम इतनी बड़ी कोई कंपनी है, कोई भी XYZ, ठीक है, इतना पैसा R&D में डालो, इतनी बड़ी गाड़ियाँ आप बना रहे हो, तो इट टेक्स लिटिल बिट एफर्ट, है ना। तो थोड़ा अगर लोगों के लिए भी सोचना शुरू कर दो तो एक बार टेस्ट ही करा दो यार, अगर आपको लगता नहीं हो रहा तो थोड़ा और इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो फ्रेम को और चीज़ें जो सेफ्टी रेटिंग को बढ़ा दें, तो उसके बाद तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। वैसे भी यू आर द मार्केट लीडर। एग्जैक्टली सर, यू आर वेरी ट्रू। आप मार्केट लीडर हो, जो दूसरी कोई कंपनी है सी वो कर रही है एंड दे आर ग्रोइंग, तो अगर आप ये चीज़ डाल देना तो आपके पीछे कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत लोग कहते हैं यार आप सिर्फ टाटा की गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है यार। सेफ गाड़ियाँ कोई भी हो, टाटा हो, मारुति हो, फॉक्सवैगन हो, किया हो, जो भी सेफ गाड़ी करेगा तो वो तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग हम प्रमोट करेंगे यार। आप जो कह रहे हैं दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। हार्डली 50,000 रुपये बढ़ेंगे अगर जो बॉडी स्टील है उसी की क्वालिटी तो चेंज करना है। फ्रेम वगैरह करना है, 50 बढ़ा दो, मैं तो ये कहता हूँ 50, 10.5 ही कर दो। एग्जैक्टली, जो आदमी 7 सीटर देख रहा है 10 लाख कर रहा है वो 50,000 और बढ़ा के दे देगा यार। बिल्कुल दे सकते ना। मैं भी हूँगा, अगर कल के दिन गाड़ी देखता हूँ मुझे रिफाइंड इंजन चाहिए, बहुत कम ऑप्शन है, हुंडई है और आप लोग की गाड़ी है, रिफाइंड ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑब्वियसली आपके पास आऊँगा और सब चीज़ें देखूंगा। अगर वो सेफ है तो आई विल बाय इट, है ना, और लोगों को प्रमोट करूंगा यार इसमें इंजन अच्छा है और सेफ भी गाड़ी है, ले लो। तो मैं सभी मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हैं पूरे इंडिया में जो गाड़ी बना रहे हैं, कम से कम सेफ्टी को एक यू नो तवज्जो दीजिएगा, उसको थोड़ा ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर उससे किसी एक ही भी जान बचती है, किसी के घर में जैसे मैं ही हूँ, मेरे घर में कोई डेथ होती है ना तो मुझे पता है कि कोई दूसरा बंदा कहेगा आई एम सो सॉरी टू हियर, 2 दिन में भूल जाएगा, लेकिन उसके साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्लीज़ यू नो बी स्पेसिफिक ऑन सेफ्टी और थोड़ा सा उसमें ध्यान देना शुरू कीजिएगा, एंड और लोगों को भी मांगना चाहिए यार। एग्जैक्टली, जो अगर ऐसी गाड़ियाँ खरीद जो सेफ नहीं है, लोगों को बोलो हम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं क्योंकि आप 10 पॉइंट है, 10 में से 9 पॉइंट आपके बढ़िया है, इंजन रिफाइंड है, माइलेज अच्छा है, इसको भी तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये लोगों को मांगना चाहिए तभी मिलेगा, वैसे तो नहीं मिलेगा। खैर सॉरी बहुत लंबा हो गया। और जो इसमें सर्विसेज हैं अभी तक कितनी सर्विसेज हो गई हैं?
सर मैं दो सर्विसेज इसके करा चुका हूँ अब तक, दो फ्री सर्विसेज करा चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मारुति आप ये कह सकते हैं कि अच्छा प्रोफेशनल एटीट्यूड है वहाँ लोगों का, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। कम हियर, क्या नाम है? दिशांत कम हियर। और ये इनका छोटा सा लड़का रिशांत नाम है, ही इज इंटरेस्टेड इन व्लॉगिंग। देखो अपना व्लॉगिंग सेटअप लेके आया है। तो आपके चैनल का नाम क्या है? रफ्ता रफ्ता मुसाफिर है ये, यू नो ही लाइक्स व्लॉगिंग, तो पापा के साथ जिद करके आ गया हो। तो आप लोग कंटेंट क्या है आपका? ट्रैवल। तो जो भी ट्रैवल करते हैं ना, तो देखो पापा तो करते नहीं है, तो बेटा जाके वो ट्रैवल शूट करके उस वीडियो डालते रहता है। तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, छोटे निशान का है, एक बार देख लीजिएगा चैनल को, पसंद आता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ट्रैवल जहाँ भी घूमने आते हो बनाते रहता है। तो थैंक यू सो मच। तो और कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू सर। यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू अंकल। अरे यू वेलकम बेटा। आप कुछ कहना चाहोगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप देहरादून आए। अरे थैंक यू। वैसे तो आप गाजियाबाद में होकर भी आप पूरा ट्रैवल करते हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं और ट्रैवल करते हैं, आप खुद इन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू। इन लोग भी आपका ब्लॉग फॉलो करते हैं। अरे थैंक यू सो मच। जो दो तीन मेन ब्लॉगर्स हैं जिनका हम लोग फॉलो करते हैं, उनमें से यू आर वन ऑफ देम। अप्रिशिएट दैट, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू। ये लोग लर्न कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देख देख के लर्न कर रहे हैं, और आज शायद इनके आने का पर्पज भी यही था। वंडरफुल। कि देखिए कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने इसको थोड़े से टिप्स दिए हैं, मैंने बोला है कि जस्ट यू नो कीप ऑन हार्ड वर्क पेज, तो कीप ऑन वर्किंग, और कभी ये मत सोचना, ओके कीप ऑन वर्किंग, हार्ड वर्क करते रहेगा, कभी ये महसूस ना, सबसे पहले वी हैव टू वर्क फॉर दी ऑडियंस। पैसे के लिए अगर सोचना कोई शुरू करेगा, यूट्यूब बनेगा, तो शायद आई डोंट नो कि क्या होता है औरों के साथ, लेकिन अगर आप किसी को हेल्प करने के लिए वीडियो बनाना शुरू करेंगे ना, देन लेटर ऑन धीरे धीरे पाइल अप होगा एंड इट विल यू नो रिवॉर्ड यू समटाइम। तो वही मैंने रिशांत को बोला था। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे कहना चाहिए सिद्धार्थ जी को, कितना टाइम, 2 घंटे हो गया हमें। माय प्लेजर सर, इतना टाइम निकाला। तो यही था आज का वीडियो, और जैसे मैंने बोला था जब अतुल भाई से बात हो रही थी, मेरा जो प्लान है ना इस इन फ्यूचर, तो जब हम बड़े हो जाते हैं, आवर फैमिली विल ग्रो, तो आई हैव अ प्लान टू यू नो गो टू डिफरेंट, हो सकता है अपनी गाड़ी लेके विजिट करूँ डिफरेंट स्टेट में, या फिर फ्लाइट से वहाँ जाके उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, क्योंकि हर एक घर में एक गाड़ी ज़रूर होती है। ठीक है, आजकल ना ये पहले क्या था कि बोलते थे कि यार गाड़ी मतलब पैसे फालतू हैं ले ले, लेकिन आजकल नेसेसिटी हो गई है, हर एक घर में एक गाड़ी ज़रूर होती है, तो हर कोई गाड़ी ओन करना चाहता है। तो अगर उनको राइट डिसीजन लेने में अगर मदद मिलती है हमारी वीडियो से, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स आवर मोटिव, और चीज़ें भी करने की कोशिश करेंगे हम। आप फीडबैक भी बताते रहिए कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनरली मैंने कार रिव्यूज़ रखे हुए हैं, और जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो मुझे बेनिफिशियल लगती है, तो मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू करके आप लोग को दे देता हूँ, ताकि आप लोग खरीद के यूज़ कर सकें। तीसरा, जब मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो वो वीडियो भी मैं शूट करके आप लोग को, देखो हर कोई लेह लद्दाख जाना चाहता है, लेकिन हर कोई या तो टाइम की वजह से नहीं जा पाता, या फिर जो पैसे उसमें लगते हैं 40-50 हज़ार रुपये, उसकी वजह से कर नहीं पाता। तो मैंने जब लेह लद्दाख किया था, तो मेरा मोटिव यही था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने साथ आप लोगों को चलूँ, ले जाऊँ, तो इसलिए मैं ट्रैवल की वीडियो भी डालता हूँ। आई डोंट नो, समझ में आ गया होगा शायद आप लोग को। तो यही था, मैं हूँ आपका होस्ट विनोद सिंह, आई लिव इन गाजियाबाद, लेकिन मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, वरना जो मिलते हैं कहते हैं रिडिकुलसली अमेजिंग। तो जो कन्वर्सेशन था आज का बहुत अच्छा था, देहरादून आना मेरा फ्रूटफुल हुआ। तो थैंक यू गाइस, आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टेक केयर, बी हंबल, बी पोलाइट, एंड बाय बाय निशांत, बाय, थैंक यू।